तो क्या सोच रहे हैं आप लोग, एक बेस्ट स्मार्टफोन बाय करनी है और आपका बजट है 10,000 रुपीज़, तो बिल्कुल ही सही वीडियो पे आए हैं। आज की वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को 10 बेस्ट स्मार्टफोन बताने वाला हूं जो कि आप 10,000 रुपीज़ के अंडर बाय कर सकते हैं। सो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको भी कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि आपको 10,000 के अंडर कौन सी स्मार्टफोन बाय करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात आप लोगों को बता देता हूं कि मेरी वीडियो जो है आपको कोई पेड वीडियो देखने को नहीं मिलती है। जो भी प्रोडक्ट मैं आपको बताता हूं जेन्युइन बताता हूं, रिसर्च करने के बाद आप लोगों को प्रोवाइड करवाता हूं। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो पहली स्मार्टफोन की अगर बात कर लें तो आपको इन्फिनिक्स हॉट 10S देखने को मिलती है। 6.82 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। 263 PPI की पिक्सल डेंसिटी और 440 निट्स की ब्राइटनेस लेवल। मतलब सनलाइट में स्मार्टफोन यूज कीजिएगा तो डिस्प्ले देखने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। पिक्चर क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। मीडियाटेक हीलियो G85 की प्रोसेसर दी गई है। 4GB की रैम, 64GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल की आपको डुअल कैमरा सेटअप दी गई है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं बैटरी की कि बैकअप आपको कैसी देखने को मिलेगी। तो 6000 mAh की आपको बैटरी दी गई है जिसे चार्ज करने के लिए आपको नॉर्मल चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है जो कि 10W की है। और प्राइस सेगमेंट की दोस्तों बात कर लिया जाए तो 9,999 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। सभी स्मार्टफोन की लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप बाय करने के लिए उस जगह से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो आपको टेक्नो पोवा 3 देखने को मिल जाती है। 6.9 इंच की आपको बड़ी डिस्प्ले मिलती है, LCD डिस्प्ले, 369 PPI की आपको पिक्सल डेंसिटी और 700 निट्स की ब्राइटनेस लेवल के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलती है। मतलब डिस्प्ले तो आपको बेहतरीन देखने को मिल रही है। मीडियाटेक हीलियो G88 की प्रोसेसर, 4GB की रैम वेरियंट, 64GB की स्टोरेज वेरियंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। प्राइस सेगमेंट के हिसाब से डिस्प्ले बेहतरीन मिल रही है और प्रोसेसर भी आपको अच्छी देखने को मिल रही है। 50 मेगापिक्सल की आपको डुअल कैमरा सेटअप दी गई है और 8 मेगापिक्सल की आपको फ्रंट फेसिंग सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं बैटरी की, तो आपको बड़ी बैटरी दोस्तों देखने को मिलती है 7000 mAh की जिसे चार्ज करने के लिए 33W की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। फाइनली दोस्तों प्राइस सेगमेंट की बात कर लें तो 9,999 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों अगर आप लोगों के लिए बैटरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छी बैटरी वाली स्मार्टफोन सिर्फ चाहिए, तो आप जो है टेक्नो पोवा 3 के साथ जा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो आपको पोको M2 देखने को मिलती है। 6.5 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले, 395 PPI की पिक्सल डेंसिटी और 400 निट्स की आपको ब्राइटनेस लेवल देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले आपको बेहतरीन मिल रही है। मीडियाटेक हीलियो G80 की आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है। 4GB की रैम वेरिएंट, 64GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। 13 मेगापिक्सल की आपको क्वाड कैमरा सेटअप दोस्तों देखने को मिलती है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। फाइनली बात कर लेते हैं बैटरी की, तो आपको 5000 mAh की बैटरी दी गई है जिसे चार्ज करने के लिए आपको 18W की फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। अब फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की, तो आपको 9,499 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स जो है आप लोगों के लिए, तो आपको क्या प्रॉब्लम है आप हमें वहां पे बताइएगा, उसके बाद ही जो है मैं उसके ऊपर वीडियो बना करके आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकूंगा। सो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट स्मार्टफोन आपको Xiaomi Redmi 10 देखने को मिल जाती है। 6.5 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले मिलती है, 369 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 400 निट्स की ब्राइटनेस लेवल वाली आपको डिस्प्ले मिल रही है और Qualcomm Snapdragon 680 की प्रोसेसर जिसमें 4GB रैम, 64GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 50 मेगापिक्सल की डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है और फ्रंट में 5 मेगापिक्सल की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है जिसे चार्ज करने के लिए 18W की चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस की, तो 9,499 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलती है। सभी की लिंक दोस्तों आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो दोस्तों रेडमी अगर आपको टॉप 10 की लिस्ट में देखने को मिलती है तो रियलमी भी आपको टॉप 10 की लिस्ट में देखने को मिलेगी और इस लिस्ट में भी आपको रियलमी देखने को मिल रही है। रियलमी C33
6.5 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, 269 PPI की पिक्सल डेंसिटी के साथ 400 nits की ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलती है। और इस स्मार्टफोन में आपको Unisoc T612 की प्रोसेसर देखने को मिलती है, जो कि 3GB की रैम वेरिएंट और 64GB तक की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको देखने को मिल जाती है। 50MP की डुअल कैमरा सेटअप दी गई है और फ्रंट में 5MP की आपको सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात कर लें तो 5000mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन इसे चार्ज करने के लिए आपको नॉर्मल चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है, जो कि 10W की चार्जर आपको दी गई है। बात कर लेते हैं प्राइस सेगमेंट की, तो आपको अप्रोक्स 9100 rupees में आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए सूर्यानंद भाई चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कीजिएगा, ताकि जैसे वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप इन्फॉर्मेटिव वीडियो को मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, नेक्स्ट स्मार्टफोन की बात कर लें तो आपको Redmi 9 देखने को मिल जाती है। 6.53 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, 269 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 400 nits की ब्राइटनेस लेवल के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलती है। MediaTek Helio G35 की प्रोसेसर दी गई है, जो कि 4GB RAM 64GB स्टोरेज वेरिएंट के साथ आती है। 13MP की आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है और फ्रंट में 8MP की सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन में दोस्तों आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए नॉर्मल 10W की चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो आपको 8999 rupees में आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों, टॉप 10 के लिस्ट में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगी, जितने भी वीडियो हैं सभी में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलेगी, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस स्मार्टफोन के साथ आपको नहीं जाना चाहिए, आपको इस स्मार्टफोन को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस स्मार्टफोन में आपको एक डाउनवर्ड देखने को मिल जाती है, जो कि इसकी हीटिंग प्रॉब्लम है। स्मार्टफोन आपको चार्जिंग के टाइम पे जो है थोड़ी ज़्यादा हीट होती है। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो आपको Realme C15 देखने को मिलती है। 6.52 इंच की IPS LCD डिस्प्ले, 269 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 400 nits की ब्राइटनेस लेवल आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। MediaTek Helio G35 की आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है, 3GB की रैम वेरिएंट, 64GB तक की स्टोरेज वेरिएंट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। 13MP की आपको क्वाड कैमरा सेटअप दी गई है और फ्रंट में 8MP की सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात कर लें तो 6000mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, जिसे चार्ज करने के लिए 18W की फास्ट चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। प्राइस सेगमेंट की बात कर लिया जाए तो 8990 rupees में आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाती है। दोस्तों, प्रोसेसर आपको Realme C15 में भी Helio G35 की देखने को मिल रही है और Redmi 9 में भी आपको Helio G35 की देखने को मिल रही है, लेकिन Redmi 9 में आपको हीटिंग प्रॉब्लम देखने को मिलती है और इसमें आपको हीटिंग प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है। वो क्यों? क्योंकि Redmi 9 में आपको 10W की नॉर्मल चार्जर देखने को मिलती है, जो कि स्मार्टफोन चार्ज होने में टाइम लगती है और स्मार्टफोन आपकी हीट होती है। इस स्मार्टफोन में आपको 18W की चार्जर देखने को मिलती है, जिसके कारण स्मार्टफोन आपकी हीट नहीं होती है। सो दोस्तों, अगर आपके बजट 10,000 rupees है और आप 500 या 1000 और एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, तो मैं आप लोगों को 3 स्मार्टफोन सजेस्ट करता हूं, जिसमें से एक आपको लावा ब्लेज 5G देखने को मिलती है। 6.5 इंच की आपको IPS LCD डिस्प्ले दी गई है, 270 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 900 nits की ब्राइटनेस लेवल के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। MediaTek Dimensity 700 की आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है, जिसमें 4GB की रैम वेरिएंट, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिलती है। 50MP की आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है और फ्रंट में 8MP की सेल्फी व वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात कर लें तो 5000mAh की दोस्तों आपको बैटरी मिलती है, जिसे चार्ज करने के लिए नॉर्मल चार्जर इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। प्राइस सेगमेंट की बात कर लें तो 10,999 rupees में आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाएगी। सो दोस्तों, सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप उस जगह से चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो देख लेते हैं वीडियो को लाइक नहीं करते तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, और वीडियो पसंद नहीं आ रही हो तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्मार्टफोन की, तो आपको Infinix Hot 20 5G देखने को मिल जाती है। 6.53 इंच की आपको LCD डिस्प्ले, 120Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ, 260 PPI की पिक्सल डेंसिटी और 500 nits की ब्राइटनेस लेवल देखने को मिलती है। बहुत ही स्मूथ डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, पिक्चर क्वालिटी भी आपको अच्छी देखने को मिलने वाली है इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में। और MediaTek Dimensity 810 की प्रोसेसर देखने को मिलती है, 4GB की रैम वेरिएंट, 64GB की स्टोरेज वेरिएंट के साथ आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है।
50 मेगापिक्सल की दोस्तों इसमें आपको सिंगल कैमरा सेटअप देखने को मिलती है और 8 मेगापिक्सल की सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात कर ले तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 18 वाट की फास्ट चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिल जाती है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट की, तो आपको 10,999 रुपीज़ में आपको ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं सबसे आखिरी स्मार्टफोन की, सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन की, तो सैमसंग गैलेक्सी M32 5G वेरियंट देखने को मिलती है। 6.53 इंच की TFT डिस्प्ले, 270 PPI की पिक्सल डेंसिटी, 800 नीट्स की ब्राइटनेस लेवल के साथ देखने को मिलती है। मतलब सनलाइट में भी स्मार्टफोन यूज करते हैं तो डिस्प्ले आपको देखने में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 710 की आपको प्रोसेसर देखने को मिलती है। 6GB की रैम, 128GB की स्टोरेज वेरिएंट आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाती है। 48 मेगापिक्सल की दोस्तों आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलती है और फ्रंट में 8 मेगापिक्सल की सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए सेंसर देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों बैटरी की, तो 5000 mAh की बैटरी दी गई है, जिसे चार्ज करने के लिए 15 वाट की चार्जर आपको इन दी बॉक्स देखने को मिलती है। फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइस सेगमेंट की, तो 10,399 रुपीज़ में आपको इस स्मार्टफोन की प्राइस सेगमेंट देखने को मिल जाती है। सो दोस्तों सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो अब बात कर लेते हैं आपको कौन सा स्मार्टफोन बाय करनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके लिए जो है बैटरी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप टेक्नो पोवा 3 के साथ जा सकते हैं, आपको बेस्ट ऑप्शन देखने को मिलती है। अगर आपको परफॉर्मेंस भी अच्छी चाहिए, डिस्प्ले भी अच्छी चाहिए जिसमें आप गेमिंग भी कर सके और आपको कैमरा भी अच्छी चाहिए, तो आप 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लगा करके सैमसंग गैलेक्सी M32 5G वेरिएंट के साथ जो है जा सकते हैं, आपके लिए बेस्ट ऑप्शन देखने को मिल जाती है। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल सूर्यानंद भाई को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप वीडियो को मिस ना कर सके। चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।